पर रेड़े दी पई गड्डी जिवें जी हर बंदे गाड़ियों वाले किराए कम करें तो वो इखराजात नहीं पूरे हो सकते। इन्होंने किराए में कोई भी कीमतें कमी नहीं की। किराए और कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? किराए कम किए हैं। किराए गाड़ियों के और जी नहीं, ये ऐसे ही है सिलसिला, कोई कम नहीं है, बस ऐवें पर रेड़े दी पई गड्डी जिवें जी हर बंदे। ओ भाई कोई किसी ने पूछने वाला नहीं हैगा। पहले ये गाड़ी 30-40 लाख पे मिल रही थी, ठीक है ना, अभी 70-80 लाख की गाड़ी हो गई है। लेकिन हम परेशान है खुद, गाड़ी का टायर हर चीज़ पार्ट हर चीज़ महंगा हो गया है। जो 3500 का टायर था पहले, अभी 30-35 हज़ार का टायर मिल रहा है। लेकिन हम क्या करें, हम तो मजबूर हो गए, खुद गाड़ी चलाने के लिए परेशान है। सच्ची बात यही है, आवाम फिर भी बोलते हैं किराया कम करो, किराया कम कहाँ से करे कम, मेरे को ये बताओ। तो पेट्रोल की कीमत कर बढ़ाते हैं तो 40 रुपये बढ़ाते हैं, गिराते हैं तो 2 रुपये गिराते हैं। आप बताएं उसमें कैसे किराया कम कर सकते हैं? अब हमें 500 वाले मजदूर सुबह से उठे 4:30 बजे, अभी तक चक्कर पर नहीं गए, 500 रुपये हमारी दिहाड़ी है, उसमें हम बताएं घर क्या देंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? हालात ही ऐसे हैं कि किराए कम करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, इतना महंगा है, गाँव 120 और गाँव 350-250। जब भी पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है तो ये किराया फ़ौरन बढ़ाते हैं, लेकिन अब जो कि यानी कि 2 रुपये यानी 3 रुपये पेट्रोल भी सस्ता हुआ है और डीजल की कीमतें भी काफ़ी सस्ती हुई हैं, इन्होंने किराए में कोई भी कीमतें कमी नहीं की। यानी कि जबकि बढ़ाने की बारी आती तो ये सेकंड भी निकलते 12 बजे से पहले, यानी कि 11:30 बजे ही किराए बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत कम हो और कीमत में कमी हो, इसी वजह से चलो आदमी को आसानी पैदा हो, आना जाना आसान हो।